को फोन करके नया चैप्टर रिवाइज में लो बेटा। चैप्टर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप इसको ये भी यूज कर सकते हो बेटा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये भी यूज कर सकते हो बेटा। तो ये रेगुलर में तो है ही नहीं बेटा, क्योंकि रेगुलर में ये 10th क्लास में है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में होता है, 11th में नहीं होता। 11th में सिर्फ इसका कंपटीशन है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको, मैं फर्स्ट टॉपिक ये करा रहा हूं, ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे बेटा। ये ग्राफ ऑफ दिस पार्टिकुलर एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोमा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड साइन, ये बेटा टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक ये बेटा आपका, किसी क्वार्टी का आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, उसका मैक्सिमा मिनिमा उसका साइन सब कुछ कैसे निकालोगे बेटा। जैसे आप क्वाड्रेटिक लेते हो बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक है बेटा। इसके अंदर ये डी होता है बेटा, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो बेटा। इसके रूट्स होते हैं बेटा क्वाड्रेटिक के, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय टू ए, ये होते हैं बेटा। माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू है। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना बेटा, वाई इज इक्वल टू जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इसके अंदर तीन पॉइंट है बेटा हमारे पास, तीन केसेस हैं। जब इसका किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर तीन केसेस हैं बेटा कि ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है बेटा। तो फर्स्ट केस है बेटा, डी जीरो से बड़ा है, डी जीरो से छोटा है, डी जीरो है बेटा। तीन केस है बेटा। पहला फर्स्ट केस है जब उस क्वार्टिक के अंदर डी जीरो से बड़ा आता है बेटा, सेकंड केस है डी जीरो के इक्वल है बेटा, थर्ड केस है डी जीरो से छोटा है, फोर्थ
अब आप टेंथ क्लास के अंदर पढ़ते हैं बेटा, जब क्वार्टी का डी जीरो से बड़ा है तो क्वार्टी के रूट्स क्या थे? रूट्स आर रियल होते हैं बेटा एंड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेकंड केस है जब डी जीरो आए, जब क्वार्टिक के अंदर डी जीरो आए तो रूट्स क्या होते हैं बेटा? रूट्स आर रियल तो होते हैं एंड दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं बेटा एंड इक्वल होते हैं बेटा। तीसरा डी जीरो से छोटा है तो रूट्स क्या होते हैं बेटा उसके? इमेजिनरी होते हैं बेटा, इमेजिनरी का रियल नहीं होते बेटा, असली के नहीं होते बेटा, ऐसे कल्पना कर रखी होती बेटा। तो मुझे तीनों केस समझाने हैं तुम्हें बेटा। पहला केस है किसी क्वार्टिक में डी जीरो से बड़ा आ रहा है तो मैंने क्या कहा रूट्स क्या आएंगे? रियल होंगे एंड अलग अलग होंगे बेटा, डिस्ट्रिक्ट होंगे बेटा। अभी यदि आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा क्वार्टिक का, ये कोई क्वार्टिक है, आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो बेटा, रूट्स क्या थे टेंथ क्लास में? क्वार्टिक में आप रूट्स बोलते क्या हो टेंथ क्लास में? रूट्स होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब सेटिस्फाई वर्ड का मतलब ये होता है जो उसको जीरो बना देते हैं बेटा, मतलब वो वैल्यू जो उसको जीरो बना दे बेटा। अब वाई जीरो कहां पे होता है बेटा? एक्स एक्सिस पे। वाई जो जीरो होता है वो कहां होता है बेटा? एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब जहां पे रूट्स होंगे वहां पे एक्स एक्सिस आएगी। दोबारा सुन लो, रूट्स क्या होते हैं छोटी क्लासों में? रूट्स नाइन्थ क्लास में आप करते हो, एक्स की वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? वो उसकी भरते ही उसके अंदर वो जीरो बना दे बेटा, उसकी साइड को वाई जीरो बन जाए, तो भरते ही वो जीरो बन जाए। अब वाई जीरो कहां पे होता है? एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब इस बात को रट लो अच्छी तरह, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां काटता है वो उसके रूट्स होते हैं बेटा, उसको सेटिस्फाई करेगा नंबर। अब याद रखना बेटा किसी क्वार्टिक के जो रूट्स होते हैं वहां पे वो एक्स एक्सिस की कर्व को इंटरसेक्ट करती है बेटा। तो अब आ जाओ डी जीरो से बड़ा है तो रूट्स रियल होंगे, रियल का मतलब दिखेंगे और अलग अलग होंगे बेटा। तो ग्राफ उसका या तो ये बनेगा बेटा, ये लो, या ग्राफ ये बनेगा बेटा, इसका नाम है बेटा पैराबोला। और जहां पे ये काट रहा है वो रूट्स हो गए, ये रूट्स आ गए अल्फा, ये रूट्स आ गए बीटा, ये रूट्स आ गए अल्फा, ये आ गए बीटा बेटा। अब जहां पे रूट्स इसको कर्व काटेगी वो रूट्स है। अब ये पता कैसे चलता ग्राफ ये बने? अब ये वाला जो पहले वाला ग्राफ है इसका नाम है पैराबोला, इस शेप का नाम होता है पैराबोला। पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, ओपन फ्रॉम अपवर्ड, और ये दूसरा वाला कहलाता है पैराबोला, ये पैराबोला ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुलेगा ये। और जहां पे ये पैराबोला चेंज होता है, जहां पे ये जो पैराबोला है एकदम मुड़ रहा है, कर्व में बेंडिंग आ रही है, जहां पे इस कर्व पैराबोला में जो एकदम बेंडिंग आ रही है, बेंडिंग का नाम होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स
और जहां पे मुड़ता है या टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बोल दो, तो ए पे डिपेंड करता है बेटा। ए यदि नेगेटिव आ जाए, ए यदि पॉजिटिव आता है तो ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ए नेगेटिव आ जाए ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड। और जहां एक कर्व मुड़ती है, बेंडिंग हो रही है, इस पॉइंट का नाम होता है बेटा टर्निंग पॉइंट। तो याद रखना इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, एक्सपोनेंट होता है बी बाय टू ए, वाई होता है माइनस का डी बाय फोर ए, ये होता है बेटा, याद रखना। चाहे आप यहां ले लो, यहां पर भी यही है, एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस का बी बाय टू ए, वाई है माइनस का डी बाय फोर ए, ये होता है बेटा। इसका मतलब यदि किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे, डी यदि जीरो से बड़ा है, देख लो एक्स एक्सिस को दो बार काट रही है, दोनों रूट्स आने। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो बेटा, कि ये नेगेटिव कहां आ रहा है, पॉजिटिव कहां आ रहा है। आप इसी ग्राफ को देखकर ये आइडिया लगा सकते हो बेटा, ये नेगेटिव कहां आ रहा है और पॉजिटिव कहां पे आ रहा है बेटा। ये लो बेटा कैसे, यदि ग्राफ पहले वाला है तो जहां पे कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव है, जहां पे नीचे है वहां पे नेगेटिव है। तो देखो अब इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या निकालूंगा मैं बेटा। नंबर एक, तो यहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, क्या क्या निकल रही है देखो। नंबर एक, यदि फर्स्ट टाइप की कर्व बन गई, तो यदि फर्स्ट टाइप की कर्व बन गई, इंफॉर्मेशन क्या, पहली इंफॉर्मेशन वाई नेगेटिव आ रहा है, देखो किसके बीच में, वाई या क्वाड्रेटिक की बात है बेटा, वाई तो बोलते हैं इसको, वाई एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ये अल्फा और बीटा के बीच में तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब वाई क्या है, जीरो से छोटा है इन अल्फा और बीटा के बीच में, ये लो देख लो। और अल्फा से इधर कर ऊपर है, और वाई जीरो से बड़ा है इन माइनस इनवर्टेड टू अल्फा यूनियन बीटा से उधर बीटा टू इन्फिनेटिव, यू नो ये तो साइन की बात होगी भाई, वाई नेगेटिव कहां आ रहा है पॉजिटिव कहां आ रहा है। अब आ जाओ ये ऊंचा कितना जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है जाता जा रहा है, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। नंबर थर्ड, वाई मैक्सिमा ऊपर कितना आ रहा है, देख दो इन्फिनेटिव, और नीचे कहां तक जा रहा है। नंबर फोर, वाई मिनिमम कितना है, नीचे नीचे दिख तो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है माइनस का डी वाई फोर ए। और हाँ ये किस नंबर पे आ रहा है, माइनस डी वाई फोर ए जो वैल्यू आ रही है वो किस नंबर पे आ रही है, एक्स कितना था तब, एट एक्स इक्वल टू बी वाई टू ए पर। तभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो मैंने ऊपर क्या एडिंग बनाई है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आई, ऊपर जाती जा रही है जाता जा रहा है इन्फिनिटी, मिनिमम कितनी आई माइनस डी बाय फोर है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में ये कर्व नीचे है तो नेगेटिव, अल्फा से इधर बीटा से कर्व ऊपर है पॉजिटिव बेटा। अब यही स्टोरी उसके अंदर लो बेटा आप सेकंड वाले केस में, तो यहां इंफॉर्मेशन देखो क्या आ रही है, नंबर एक वाई अल्फा और बीटा के बीच में तो नेगेटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है बेटा, देखो ऊपर आ रही है कर्व, तो वाई जीरो से छोटा है किसके अंदर, इन
माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, ये लो नीचे आ रहे हो पॉजिटिव, ये लो नंबर सेकंड, वाई जीरो से बड़ा आ रहा है इन अल्फा टू बीटा के बीच में, ये लो। अच्छा ऊपर कहां तक जा रहा है, ऊपर ये रहा, एक्स आ रहा है बी बाई टू ए माइनस का, वाई आ रहा है डी बाई फोर है, वाई मैक्स से ऊपर कितना जा रहा है, वाई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी डी बाय फोर है, कहां पे आ रही है एट एक्स इक्वल टू माइनस के बी बाय टू है। नंबर फोर, वाई मिनिमम कितना आ रहा है नीचे से, नीचे नीचे आ रहा है माइनस इन थोड़ी बटा ये नीचे, करो बेटा इसको रीड करो, करो बेटा इसको रीड, तो बेटा सेकंड केस लो, डी मान लो जीरो आता, क्या लिखा था आपने, रूट स्टार रियल तो होते होते हैं एंड आइडेंटिकल होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं बेटा, लो बेटा दो ग्राफ बनेंगे आपके वही पहले की तरह ही, दोनों के दोनों रूट सेम दिखाने हैं आपको, तो ये लो बनेगा पैराबोला ही, चलो तो ग्राफ ये बनेगा या ये बनेगा, चलो अब इन दोनों ग्राफों के अंदर क्या है, जो पहले वाला ग्राफ, हाँ ये ग्राफ कब बनेगा जब ए जीरो से बड़ा होगा, वही पहले वाली बात, ये ग्राफ कब बनेगा जब ए जीरो से छोटा होगा, ए नेगेटिव नंबर होगा बेटा, जब पहले वाला ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को देख के आप आइडिया लगाओ वाई मैक्सिमम कितना आ रहा है, वाई मैक्सिमम ऊपर जाता जा रहा है इन्फिनिट है, वाई मिनिमम ये वही पॉइंट आ रहा है सेम माइनस का बी वाई टू है, एंड y कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया तो y मिनिमम कितना आ रहा है, y मिनिमम जीरो आ रहा है बेटा, y मैक्सिमम आ रहा है ऊपर जाता जा रहा है, y मिनिमम जीरो आ रहा है, पर जीरो आ किस पे रहा है एट x इक्वल माइनस के बी वाई टू ए पर, ये आ रहा है। अब इस कर्व को देखो, करो नीचे तो आ ही नहीं रही, निकलो वाई बड़ा बराबर आ रहा है जीरो से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मतलब यहां नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं रहा, करो नीचे तो आ ही नहीं रही बेटा। अब आप इस करो को देखो बेटा, यहां टर्निंग पॉइंट तो आ गया माइनस का बी वाई टू है, डी आ गया जीरो, ये लो क्योंकि एक्स एक्स पे वाई कॉर्डिनेट जीरो होता है। अब इस ग्राफ को देख के आप आइडिया लगाओ कि वाई नीचे कहां तक जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो वाई मिनिमम कितना आ रहा है नीचे माइनस इनफिनिटी पर, और मैक्सिमम वाई कितना आ रहा है ऊपर, करो बड़ा से बड़ा कर आपको ये दिख रहा होगा वाई जीरो, ये लो वाई मैक्सिमम जीरो आ रहा है। अब किस नंबर पर है, एट एक्स इक्वल टू, बेटा समझ के करना, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, पर एक सारी कर नीचे ही नीचे जा रही है, निकलो वाई जीरो से छोटा बराबर आ रहा है हमेशा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, साइन का होता है फॉर ऑल, जैसे काटा मार दिया ना वी लिखकर काट देने का था, फॉर ऑल सभी के लिए,
अब जहां पे वो कर्व काट रही थी वो रूट्स थे दो, अब यहाँ पे दोनों रूट सेम ही तो हो गए, तो रूट्स भी क्या हो गए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रूट्स क्या हो गए बेटा, दोनों रूट्स वही तो हो गए जहां पे कर्व उसको टच कर रही है, दोनों हो गए माइनस का एक्स इक्वल टू बी बाय टू ए, टच करने वाली जगह पे दो आते हैं बेटा, दोनों सेम होते हैं बी बाय टू ए बी बाय टू ए। हाँ यहाँ पे आप रूट्स निकालोगे, रूट्स तो यहाँ पे भी तो रूट्स हो ही आ रहे हैं बेटा, एक्स इक्वल टू माइनस का बी बाय टू ए, एक्स इक्वल टू वही माइनस का बी बाय टू ए, ये रूट्स आ रहे हैं। अब ये सेकंड केस है बेटा, बात वही है जब ए पॉजिटिव है तो ओपन फ्रॉम अपवर्ड, पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, ए नेगेटिव है तो ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड। हाँ यहां पे रूट्स रियल आ रहे हैं और दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं तो बेटा टच करेगी वो लाइन, उसको काटेगी नहीं बेटा। ऐसे नंबर थर्ड केस है बेटा, थर्ड केस है बेटा, डी जीरो से जब छोटा आएगा देन रूट्स आर नॉन रियल, रियल नहीं होंगे बेटा, नहीं होंगे तो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी का लो जिनमें अयोटा आएगा, अब तुम्हारे आंसर में अयोटा आ जाएगा बेटा। लो बेटा अब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, रूट्स दिखाने नहीं आपको, जब रूट्स नहीं दिखाने बेटा तो रूट्स एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा ही नहीं, क्योंकि यदि एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वहां तो रूट दिख गए, तो अब ग्राफ क्या बनेगा, एक्स एक्सिस नहीं काटेगा तो सारे का सारा ग्राफ ऊपर आ जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस ये, या सारे का सारा ग्राफ नीचे रह जाएगा ये। हाँ वही बात, ए जीरो से बड़ा है तो पैराबोला ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ए जीरो से छोटा है ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड। अब ये वाला पॉइंट वही पहले की तरह ही आएगा, जो ये पहले टर्निंग पॉइंट क्या आया था पहले की तरह, माइनस का बी वाई टू ए माइनस का डी वाई फोर ए। हाँ ये पॉइंट अब भी वही आएगा बेटा, माइनस का बी वाई टू ए माइनस का डी वाई फोर ए। अब ये जो ग्राफ बना पड़ा है, इस ग्राफ को देख के आपको बातें लिखनी है, ध्यान दो बेटा सभी, ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, पहले वाला ग्राफ ऊपर ही ऊपर, करो क्या वाई कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहां से आप इंफॉर्मेशन निकालोगे तो क्या आएगी इंफॉर्मेशन, नंबर एक वाई हमेशा जीरो से बड़ा है, पिछली बार बड़ा बराबर था बेटा, ध्यान दो मेरी बात पे, पिछली बार क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू भी था, अब यहां पर क्या है वाई जीरो से बड़ा बड़ा है, आगे क्या लिख रहा हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, चलो इसका मतलब क्या है, एक्स कुछ भी ले ले, नंबर सेकंड पॉइंट रूट्स है ही नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं है, वाई मैक्सिमम कितना आ रहा है, देख मैक्सिमम ऊपर जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, इन्फिनिटी आ गया, नंबर थर्ड वाई मिनिमम कितना आ रहा है, नीचे से कम कितना आ रहा है, वही माइनस का डी वाई फोर है, एट एक्स इक्वल टू माइनस के बी वाई टू ए पर। अब आप इस ग्राफ की बात करो बेटा, इस ग्राफ को देखो आप, इस ग्राफ में देखो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता ही जा रहा है जाता ही जा रहा है, इसका मतलब वाई मिनिमम नीचे कितना आ रहा है, माइनस इनफिनिटी,
वाई मिनिमम नीचे कितना आ रहा है पता ही नहीं कहां तक जा रहा है, माइनस 100 है। वाई मैक्सिमम कितना आ रहा है ऊपर, ये रहा माइनस का डी बाय फोर है। उस समय पे एक्स कितना है, एक्स को 100 है, उस समय पे माइनस का बी बाय टू है। इसके अलावा सारी कर्व नीचे ही नीचे है बेटा, सारी कर्व नीचे ही नीचे आने का मतलब क्या है बेटा, वाई नेगेटिव है। तो ये लोग वाई जीरो से छोटा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा अब मैं आपको पहले इसका कोई ऐसा एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको मैं बेटा इसका प्रूफ कहलाऊंगा, प्रूफ आया कहां से। तो ये लो, जैसे मुझे मान लो कोई ये कहता है कि ड्रा द फ्लोइंग ग्राफ, इन ग्राफ को बनाओ, एंड राइट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाई एंड साइन ऑफ वाई, वाई का साइन बताओ। तो बेटा तीन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये फर्स्ट एग्जांपल है वाई एफ ऑफ एक्स है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा वाई एफ ऑफ एक्स है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25। और थर्ड एग्जाम्पल है बेटा इसका वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने आज आपको जितनी भी थ्योरी कराई इससे क्लियर हो जाएगी बेटा आपको। ये लो सबसे पहले वाई एफ ऑफ एक्स है बेटा आपके पास, ये याद नहीं करनी बेटा इसकी वैल्यू, आपने सिर्फ इसका ग्राफ ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ से आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले जो डी निकालो, डी कितना है, ए वन है बी है माइनस सेवन सी है 10, तो डी कितना आता है बी स्क्वायर माइनस 4 इज माइनस 7 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू में 10 बी स्क्वायर माइनस 4 इज 49 माइनस 40 ये 9 आ गया बेटा। तो वर्टेक्स कितना हो गया, वर्टेक्स क्या फॉर्मूला लिखा था वर्टेक्स का, बी बाय 2 ए माइनस का डी बाय 4 ए, बी हो गया माइनस 7 बाय 2 ए तो 7 बाय 2 आ गए, डी आ गया माइनस का 9 बाय 4, ये लो माइनस का 9 बाय 4 यार। अब डी इसका जीरो से बड़ा है तो बोलो रूट्स क्या लिखवाए थे, रूट्स आर रियल होंगे एंड अलग अलग होंगे बेटा। बेटा ये सारी 9th 10th क्लास की बातें हैं, डी क्या होता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, 9th 10th की बातें हैं बेटा। तो रूट्स रियल और डिस्ट्रिक्ट है, वर्टेक्स ये आ गया, अब ए इसका वन है, वन जीरो से बड़ा है, ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो से बड़ा है, तो क्या लिखोगे इसका, ए जीरो से बड़ा है तो ग्राफ क्या होगा, विल बी पैराबोला होगा ओपन फ्रॉम अपवर्ड ऊपर की तरफ खुलेगा, ये आएगा। अच्छा इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, नाइन्थ क्लास में रूट्स निकालते हो ना क्वाड्रेटिक के, वाई करो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10, इसके रूट्स कितने आ रहे हैं बेटा, फैक्टर बना लो ना, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5, रूट्स कितने आ रहे हैं इसके 2 एंड 5, ये रूट्स आ गए बेटा। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं बेटा, कैसा ग्राफ बनाना है मुझे, इसके रूट्स आएंगे 2 और 5,
लोड एक्स टू दिखाना है, ये आ गया वन, ये आ गया टू थ्री फोर फाइव, रूट्स आएंगे टू और फाइव, वर्टेक्स आएगा सेवन बाय टू, चलो वन टू थ्री फोर फाइव, सेवन बाय टू और नाइन बाय फोर, ये आ गया माइनस वन नीचे, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। अब ग्राफ क्या बनेगा, रूट्स आएंगे टू और फाइव, तो टू आ गया और एक फाइव, इसको डार्क कर दो बेटा, मेरा टू फाइव, वर्टेक्स है सेवन बाय टू, सेवन बाय टू होता है तीन और चार के बीच का आधा, वाई है नाइन बाय फोर, नाइन बाय फोर होता है टू पॉइंट टू फाइव, तो ये लो टू पॉइंट टू फाइव का मतलब ये आ गया थ्री और टू और फाइव के बीच में साढ़े तीन, साढ़े तीन पे और टू और फाइव के बीच में साढ़े तीन, इसके बीच में, तो ग्राफ ये बनेगा बेटा, देखो तो ग्राफ ये बन रहा है। ये ग्राफ बन गया। अब ये आ गया टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कितना आ गया माइनस का, सॉरी बी आ गया साइन बाय टू एक्स वाई नाइन बाय फोर में। अब आप इस ग्राफ को देख के ना सारी बातें लिख सकते हो बेटा, कैसे, ये कर्व नीचे नेगेटिव है तो क्या लिखोगे आंसर, वाई जीरो से छोटा आ रहा है नीचे, नीचे का मतलब कहां से लेकर एक्स, टू और फाइव के बीच में, y जीरो से बड़ा आ रहा है इन कहां पे, माइनस इनफिनिटी टू यूनियन फाइव टू इनफिनिटी। अच्छा y नीचे कहां तक जा रहा है, मिनिमम y की सबसे नीचे वाली वैल्यू कितनी आ रही, मिनिमम माइनस का नाइन बाय फोर आ रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर कहां तक जा रही है पता ही नहीं कहां तक जा रही है, तो इनफिनिटी, बस ये आंसर हो गया। अब बेटा ये y मैक्सिमा मिनिमा नेगेटिव पॉजिटिव निकालना, एनडीए में आईआईटी में 50 बार बातें यूज हो चुकी है, 50 बार, एक बार नहीं बेटा, हर साल यूज होती है प्रश्न में, हर साल पूछ लो, सॉरी अभी मत पूछना, मैं अभी टाइम दूंगा आपको। अभी सेकंड ग्राफ देखो बेटा, सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 25, लो बेटा सेकंड है, y एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 25, इसको क्वार्टिक से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, इसका d निकालो, d कितना आ रहा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, टेन का स्क्वायर फोर इंटू वन इंटू 25, हंड्रेड माइनस हंड्रेड जीरो आ गया, a आ रहा है वन, जीरो से बड़ा आ रहा है, डी जीरो आ रहा है, तो क्या लिखोगे, ग्राफ विल बी पैराबोला होगा ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ऊपर की तरफ से खुलेगा एंड टचेज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता होगा बेटा ये। अब निकालो इसका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का फार्मूला क्या बताया था बेटा आपको, माइनस का बी बाय टू ए माइनस का डी बाय फोर ए, क्वाड्रेटिक में ए कितना है वन, बी कितना है माइनस टेन, सी कितना है 25, तो माइनस का बी बाय टू ए, तो बी बी हो गया माइनस टेन बाय टू ए, ये फाइव आ गया बेटा, डी वैसे ही जीरो है तो डी जीरो आ गया सर। अब आ जाओ इसके रूट्स क्या आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के, y करो x square minus 10x plus 25 के रूट्स क्या आ रहे हैं बेटा, ये x minus 5 का whole square बन गया बेटा, तो रूट्स आ रहे हैं दोनों के दोनों 5 and 5। अब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ओपन फ्रॉम अपवर्ड एंड वर्टेक्स आ रहा है 5 0 पे, x 5 y 0, तो लेना बेटा इवन आ गया 1 टू थ्री फोर फाइव, तो ग्राफ बनेगा ओपन फ्रॉम अपवर्ड फाइव जीरो पे,
नंबर आ गया 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया एक्स एक्सिस। अब ये लो, अब ये क्या बन रहा है, ए 0 से बड़ा है, ओपन फ्रॉम अपर, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 5, 0 पे। अब आप इसके बारे में बताओ इन्फॉर्मेशन। नंबर ए, सारा ग्राफ ऊपर ही ऊपर आ रहा है तो क्या लिखोगे, वाई इज इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा बराबर है, अब फॉर ऑल एक्स, एक्स कुछ भी ले लो बेटा, नीचे आ ही नहीं रहा, मैक्स से ऊपर कहां तक जा रहा है पता ही नहीं बेटा कहां तक जा रहा है, तो वाई मैक्सिमम कितना आ रहा है इन्फिनिटिव, वाई मिनिमम कितना आ रहा है बेटा नीचे से नीचे माइनस इन्फिनिटिव, बस सॉरी नीचे आ रहा है ये रहा 5 और 0 है ना, तो वाई मिनिमम आ रहा है 0, वाई मिनिमम आ रहा है 0 बेटा। ये बात है भाई, तू पॉजिटिव कब आ रहा है, तू नेगेटिव कब आ रहा है और तू 0 कब आ रहा है बेटा, ये सब चीज होता है। आगे एक ग्राफ और था बेटा, फिर तुम्हारा अनम्यूट कर दूंगा मैं आपको। तो बेटा थर्ड वाला क्या था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये था। इससे कंपेयर करोगे तो ए कितना आ गया 1, बी 1, सी भी 1, डी कितना आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस का 3, 0 से छोटा आ रहा है, तो क्या लिखोगे, रूट्स आर नॉन रियल, रियल नहीं आ रहे बेटा, रियल नहीं आने का मतलब क्या हो गया बेटा, इमेजिनरी आ रहे हैं, असली के आएंगे नहीं। अब इसका वर्टेक्स लो बेटा, वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स क्या लिखवाया था, माइनस का बी बाय 2a माइनस का डी बाय 4a, बी आ गया 1/2 तो माइनस का 1/2, डी आ गया माइनस का 3/4 क्या आ गया। अब आप इसका ग्राफ बनाओ बेटा, ग्राफ क्या बनेगा बेटा इसका, एक पैराबोला, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इसका एक पैराबोला होगा, पैराबोला नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुलेगा बेटा, जा तो ग्राफ बनाओ बेटा 1/2 माइनस का ये रहा 3/4 ये रहा। ये ग्राफ बनेगा बेटा, तो ये पॉइंट आ रहा है बेटा नीचे माइनस 1/2 आ रहा है बेटा, हाइट आ रही है 3/4। अब इस ग्राफ को देखो आप क्या कहोगे, वाई की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आ रही है बेटा, ऊपर जाती जा रही इन्फिनिटी, वाई मिनिमम कितना आ रहा है बेटा माइनस का 3/3 प्लस का 3/4 पे आ रही है बेटा, वाई ऊपर ही ऊपर है सारा, तो वाई 0 से बड़ा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये तीन ग्राफ है, अभी आपने नहीं पूछना, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, अभी कोई नहीं बोलेगा बेटा, 3 मिनट दे रहा हूं, ये तीनों के तीनों मैं मूव कर रहा हूं, आप रीड करते रहना बेटा, रीड करो इन तीनों के तीनों, लो बेटा पहले आपको मूव कर रहा हूं, मैं इनको रीड करो बेटा।